रिकॉर्ड रिकॉर्ड हेलो स्टूडेंट्स, महावीर शिक्षण संस्थान ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज अपन स्टार्ट करेंगे कक्षा 11 के लिए भौतिक विज्ञान। तो भौतिक विज्ञान के अंदर जो पहला चैप्टर अपन लेकर चल रहे हैं वो पहला चैप्टर है सरल रेखीय गति। देखिए, सरल रेखीय गति का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, जब कोई भी कण एक सीधी रेखा में गति करता है तो इस कण की गति कहलाती है सरल रेखीय गति। ठीक है, ये कण आगे जाकर के हो सकता है कि अपना पथ बदल ले, हो सकता है लौट करके दोबारा आ जाए। ठीक है, बट हमें यहाँ पर सिर्फ तब तक की ही गणना करनी है जब तक आपका कण एक सीधी रेखा में गति करता है। अब इस सरल रेखीय गति में जब कोई कण सीधी रेखा में गति करता है तो ये कुछ न कुछ दूरी जरूर तय करेगा, कुछ न कुछ दूरी जरूर तय करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस चैप्टर के अंदर जो टॉपिक क्लियर करेंगे वो है दूरी और विस्थापन में अंतर। दूरी वो विस्थापन में अंतर, ठीक है। दूरी किसे कहेंगे और कण का विस्थापन किसे कहेंगे? तो यदि आपका कण एक सीधी रेखा में गति करता है तो उसने जो दूरी तय की है वो दूरी आपके पास विस्थापन के बराबर ही होगी, या हम कहते हैं कि जो भी दूरी का मान होगा वही विस्थापन के बराबर होगा। परंतु यदि कण एक सीधी रेखा में गति नहीं करते हुए इस प्रकार किसी अनिश्चित मार्ग पर गति करता है, कण यहां से चलना प्रारंभ कर रहा है बिंदु ए से और कण आपका चला गया है बिंदु बी पर, इस कंडीशन में ये जो पथ बनाया हमने ये पथ कहलाएगी कण की दूरी, इसे कहेंगे हम कण की दूरी। और यदि हमें निकालना है कि कण द्वारा तय किया गया विस्थापन क्या होगा, तो बिंदु ए को बिंदु बी से यदि हम सीधा मिला देते हैं तो ये जो आपके पास आता है इसे हम कहेंगे कण का विस्थापन। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि विस्थापन जो है वो है आपके पास दो बिंदुओं के मध्य न्यूनतम दूरी। ठीक है, दो बिंदुओं के मध्य न्यूनतम दूरी, इसे हम कहेंगे कण का विस्थापन। ठीक है, अब यहां पर हम और भी उदाहरण लेकर कुछ समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई कण है जो कि किसी वृत्ताकार पथ पर गति कर रहा है, ये कण है आपका और ये इस वृत्ताकार पथ पर बिंदु ए से चलना प्रारंभ करता है। ठीक है, और ये पहुंच जाता है आपका बिंदु बी पर। तो बिंदु ए से बिंदु बी पर यदि वो इस पथ को तय करता है तो इसे हम कहेंगे कण की दूरी। कण ने यहां पर कितनी दूरी तय की? तो यदि आपके पास इस वृत्ताकार पथ की त्रिज्या r है और हमें पता है कि वृत्ताकार पथ की जो परिधि होती है वो होती है 2πr। ठीक है, पर हमें चलना है a से b तक, तो हम ये कहेंगे कि a से b तक जो दूरी होगी वो दूरी हमारे पास होगी 2πr/2। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपके पास पाई आर। मात्रक इसका अपने पास ऐसा ही मात्रक की बात करें तो मीटर होगा। ठीक है, किलोमीटर या सेंटीमीटर और भी इसके मात्रक हैं। और यदि हम ये बात करते हैं कि कण आपके पास ए बिंदु से बी बिंदु के मध्य चल रहा है और इसका विस्थापन क्या होगा, तो बिंदु ए को आपको सीधे मिला देना है बिंदु बी से। जब बिंदु ए को सीधे मिलाओगे बिंदु बी से तो ये जो होगा ये कहलाएगा कण का विस्थापन। और यहां पर विस्थापन का मान होगा त्रिज्या का जस्ट दुगना। ठीक है, मतलब हम कह सकते हैं कि इस वृत्ताकार पथ का व्यास तो 2r, ये हमारे पास कण का विस्थापन हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम दूरी और विस्थापन के मध्य अंतर स्पष्ट कर सकते हैं।
इसी प्रकार हम एक उदाहरण पढ़ लें, तो मान लीजिए कि कोई कण किसी बिंदु ए से चलना प्रारंभ करता है और वो ए से जाता है बिंदु बी पर, सीधी रेखा में गति कर रहा है। उसके बाद वो अपने पथ को चेंज करके बी से जाता है बिंदु सी तक, ठीक है। तो यदि आपसे पूछा जाए कि बिंदु ए व सी के मध्य दूरी क्या होगी, तो हम कहेंगे दूरी होगी ए बी प्लस बी सी, ये दूरी जो है ए से बी तक प्लस बी से सी तक। और यदि हमसे ये पूछा जाए कि ए व सी के मध्य विस्थापन क्या होगा, तो हमें बिंदु ए को सी से मिलाना है सीधी रेखा में, और सीधी रेखा में मिलाने के बाद ये जो आपके पास मिलेगा इसे हम कहेंगे कण का विस्थापन, ठीक है। तो इन उदाहरणों से स्पष्ट है कि विस्थापन जो हमारे पास होता है वो होता है अंतिम बिंदु माइनस प्रारंभिक बिंदु। इन दोनों को अगर आप माइनस करते हैं तो आपके पास यहाँ पर जो मिलेगा वो होगा कण का विस्थापन, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आपके पास कोई त्रिभुज बना हुआ है तो इस त्रिभुज का जो कर्ण है वो विस्थापन का काम करेगा, और ए से बी तक और प्लस बी से सी तक जो होगी वो अपने पास दूरी हो जाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार हम विस्थापन और दूरी के मध्य अंतर स्पष्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर कुछ और उदाहरण लेकर चलते हैं। उदाहरण से पहले एक बात और हमें यहाँ पर क्लियर करनी है कि दूरी और विस्थापन इन दोनों के मध्य एक अंतर तो हमें पता चल ही चुका है। दूसरा अंतर है कि दूरी जो आपके पास होती है ये एक अदिश राशि है, जबकि विस्थापन जो होती है वो एक सदिश राशि होगी। अदिश और सदिश का क्या मतलब हुआ? अदिश का मतलब हुआ कि दूरी में हमें केवल मान लेना होगा, दूरी में केवल मान लेना होगा, जबकि सदिश राशि अर्थात विस्थापन में हमें मान भी लेना होगा और साथ में इसकी दिशा भी हमें लेनी होगी, ठीक है। सदिश राशि में मान भी होता है और साथ में दिशा भी होती है, जबकि अदिश राशि में केवल मान लिया जाता है। ये दूसरा अंतर है दूरी और विस्थापन के मध्य। अच्छा, मान और मान प्लस दिशा, इसमें क्या अंतर हुआ, तो उसको अब समझते हुए चलते हैं। देखिए, मान लीजिए कि आपका कण फिर से एक निश्चित पथ पर गति कर रहा है, ये पथ हो गया ए से बी तक, और फिर से लौट करके वो आता है बी से ए पर। पहले जाता है ए से बी, फिर आता है वो बी से ए पर, ठीक है। तो इस दौरान यदि ये पूछा जाता है आपसे कि कण ने कुल कितनी दूरी तय की, कुल दूरी की बात करें तो पहले हम ए से बी तक गए तो ए बी, फिर हम बात करेंगे यहां पर हमने दिशा चेंज कर दी है, ये अभी आपके पास प्लस एक्स दिशा है और यहां पर माइनस एक्स दिशा है। अभी हमने कहा कि दूरी जो होती है वो अदिश राशि है, इसमें हमें दिशा नहीं लेनी है। दिशा नहीं लेनी है तो फिर आपको चाहे वो प्लस एक्स दिशा हो या माइनस एक्स दिशा हो, दूरियों को जोड़ते हुए चलना है। तो ए बी प्लस बी से ए, तो कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि जितना ए बी है उतना ही बी ए है, तो हम इसको ट्वाइस ए बी बोल सकते हैं। या फिर ए से बी के मध्य दूरी यदि हम डी ले लेते हैं तो हम इसको बोल सकते हैं यहाँ पर ट्वाइस डी। ये तो हो चुकी है हमारे पास दूरी। अब इसी केस में यदि हम बात करें कि कुल विस्थापन कितना होगा, तो कुल विस्थापन में आप जब ए से बी जा रहे हैं तो मान के साथ साथ आपको दिशा का भी ध्यान रखना है। यदि प्लस एक दिशा में आपने विस्थापन को डी लिया है, तो माइनस एक्स दिशा में आपको विस्थापन को लेना होगा माइनस डी, क्योंकि अब दिशा विपरीत हो चुकी है। नेगेटिव चिन्ह यहाँ पे क्या शो कर रहा है, विपरीत दिशा, क्योंकि हमें मान के साथ दिशा भी बतानी होगी। तो ए से बी तक की दिशा जो दूरी है या विस्थापन कहें वो डी है, और बी से ए तक का विस्थापन होगा माइनस का डी। तो कुल मिलाकर के आपका विस्थापन कितना हो गया, जीरो, ठीक है। तो ए से बी के बीच में यदि कुल विस्थापन निकाला जाएगा तो वो ए से ए के बीच में
ए से बी जाना है, बी से फिर ए आना है, तो कुल विस्थापन जो हुआ वो आपको मिलता है जीरो, जबकि कुल दूरी जो होती है वो हमेशा आपके पास पॉजिटिव होती है, दूरियां कभी भी ऋणात्मक नहीं होगी। तो जितनी भी दूरियां हैं वो आपको जोड़ती हुई चलनी है, तो आपके पास अंत में आपको कुल दूरी कुछ ना कुछ मिलेगी। अच्छा, अब यहाँ पर अगर आपसे ये पूछा जाता कि केवल आपको ए से बी तक का विस्थापन बताना है, ए से बी तक का विस्थापन, तो इसमें आप यहाँ पे लिखेंगे इसका मान होगा डी। अच्छा, बी से ए तक का विस्थापन, बी से ए तक का विस्थापन अगर आपसे पूछा जाता है तो वो हो जाएगा माइनस का डी। ठीक है, अब यहां से क्या स्पष्ट हो रहा है कि विस्थापन जो है वो जीरो भी हो सकता है, वो पॉजिटिव भी हो सकता है और वो नेगेटिव भी हो सकता है। तो अब हमारे पास यहाँ पर तीसरा अंतर निकल करके आ रहा है। हम जो अंतर समझ रहे हैं विस्थापन में, ये दूसरे नंबर का अंतर था, और तीसरे नंबर का जो अंतर है वो ये है कि विस्थापन आपका पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है और शून्य भी हो सकता है, जबकि दूरी आपके पास शून्य हो सकती है या पॉजिटिव हो सकती है। ऋणात्मक दूरी कभी नहीं होगी क्योंकि दिशा परिवर्तित होने के बाद भी दूरी पॉजिटिव ही ली जाएगी, क्योंकि ये अदिश राशि है, इसमें दिशा का कोई महत्व नहीं है, जबकि विस्थापन सदिश राशि है, इसमें दिशा का महत्व है। दिशा परिवर्तित होने के बाद विपरीत दिशा को आप नेगेटिव चिन्ह से प्रदर्शित करेंगे तो आपके पास कुल विस्थापन इस तरीके से कैलकुलेट किया जा सकता है। तो ये है दूरी और विस्थापन के मध्य कुछ अंतर। अब हम बात करते हैं यहाँ पर कुछ और उदाहरण लेकर के हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। अगला उदाहरण देखिए, फिर से हम यहाँ पर कोई कण लेते हैं जो बिंदु ए से चलना प्रारंभ करता है और यहाँ पर बिंदु बी है, इस वृत्ताकार पथ की त्रिज्या आर है। अब इसमें अगर आपसे पूछा जाए कि ए से बी तक जाने में दूरी ज्ञात कीजिए और बी से ए तक जाने में दूरी ज्ञात कीजिए, सॉरी ए से बी तक की दूरी और ए से ए तक की दूरी कितनी होगी, ये दोनों दूरियां निकालनी है। साथ में आपसे पूछा कि ए से बी तक का विस्थापन कितना होगा और ए से ए तक का विस्थापन कितना होगा। ठीक है, तो देखिए ए से बी तक यदि हम चलते हैं तो हम यहां पहुंचेंगे इस पथ को तय करते हुए, ये पथ दूरी है और हमें पता है कि ये परिधि का आधा है, तो दूरी कितनी हो गई पाई आर, परिधि का जस्ट आधा। फिर यदि आपसे पूछा जाए कि ए से चल करके आपको पुनः ए पर ही आना है, तो इस कंडीशन में आपको ये पता चल रहा है कि हम विपरीत दिशा में आ चुके हैं परंतु दूरी में दिशा का कोई महत्व नहीं है, तो आपको देखना है कि ये पाई आर जो कि ए से बी तक था प्लस पाई आर जो कि बी से ए तक था, दोनों जुड़ जाएंगे क्योंकि दूरी हमेशा पॉजिटिव होती है, तो कुल मिलाकर के आपका 2πr इसका उत्तर होगा। इसी प्रकार ए से बी तक यदि हम चलते हैं और विस्थापन की बात करते हैं तो विस्थापन होता है प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के मध्य न्यूनतम दूरी, तो ये न्यूनतम दूरी होगी जो कि आपके पास हो जाएगी 2r के बराबर। ए से ए तक का विस्थापन, प्रारंभिक बिंदु भी ए है अंतिम बिंदु भी ए है, तो उस कंडीशन में आपका कुल विस्थापन हो जाएगा शून्य। ठीक है, क्योंकि जितना आप पॉजिटिव गए हैं उतना ही आपने नेगेटिव दिशा में भी दूरी तय कर ली है, ए से बी तक जाकर के पुनः ए पर आ चुके हैं, तो कुल विस्थापन हो चुका है शून्य। ठीक है, तो यहाँ पर अपन ने दूरी और विस्थापन के मध्य अंतर समझ लिया है, सरल रेखीय गति का पहला पॉइंट। अब हम बात करते हैं यहाँ पर चाल व वेग। चाल व वेग क्या होते हैं, देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे चाल क्या होती है। तो हमने पिछली क्लासों में पढ़ा हुआ है, 9th या 10th क्लास में, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, दूरी बटा समय। परिभाषित करना चाहे तो हम कह सकते हैं एकांक समय में तय दूरी, इसे हम क्या कहेंगे, चाल कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल यदि मान लीजिए कि आपको दूरी दी गई है 100 मीटर, दूरी दी गई है 100 मीटर और कोई कण आपका इस प्रकार गति कर रहा है कि
इससे इस दूरी को तय करने में लगते हैं 20 सेकंड। समय कितना लगता है? 20 सेकंड। तो हम कहेंगे चाल कितनी होगी, किस चाल से चल रहा है, तो दूरी बटा समय। तो ये हो चुका है अपने पास 5 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, तो वो अपने पास जो कण दिया गया है वो एक नियत चाल 5 मीटर प्रति सेकंड से गतिमान है। ठीक है, और यहाँ पर अपन ये कह सकते हैं, देखो ज्यादा समय अगर लगेगा इसी निश्चित दूरी को तय करने में तो फिर चाल आपके कण की कम हो जाएगी। यदि मान लीजिए कोई दूसरा कण है जो कि इसी दूरी को 50 सेकंड में तय करता हो तो उस कण की चाल अब कम हो जाएगी और वो हो जाएगी 100/50 जो कि हो जाएगी 2 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, तो ये तो बात हो गई चाल की। अब हम बात करते हैं यहाँ पर वेग की। अब यदि हम बात करें यहाँ पर वेग की तो आपका वेग हो जाएगा विस्थापन बटा समय, विस्थापन बटा समय। ठीक है, तो विस्थापन भी मीटर में ही लिया जाता है। ठीक है, क्योंकि ये न्यूनतम दूरी ही दो बिंदुओं के मध्य विस्थापन कहलाती है, ये भी मीटर में होगा, दूरी भी मीटर में होगी, मात्रक दोनों का समान है परंतु दूरी अदिश राशि है और विस्थापन सदिश राशि है। तो यहाँ पर यदि आप विस्थापन निकालेंगे तो उसका मात्रक भी हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड में। ठीक है, जब तक आपका कर्ण एक सीधी रेखा में गति करता है, जैसे कि इस उदाहरण में अपन ने देखा कि कर्ण आपका ए से बी तक जा रहा है, इसमें कर्ण ने दिशा चेंज नहीं की है, तो इसी केस में यदि आपसे बोला जाए कि वेग निकालो, इसी केस में बोला जाए कि वेग निकालो, तो वेग निकालने के लिए विस्थापन कितना है, तो विस्थापन यहाँ पर भी 100 मीटर ही है क्योंकि कर्ण ने दिशा चेंज नहीं की है और उस केस में विस्थापन जो है वो दूरी के बराबर होगा। ठीक है, तो एक पॉइंट अपन यहाँ पर और ऐड कर लेते हैं पिछले टॉपिक के अंदर। हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि जो दूरी होती है, दूरी जो होती है वो आपके पास विस्थापन से ज्यादा या बराबर होगी, विस्थापन से ज्यादा या बराबर होगी। इन सभी उदाहरण के आधार पर अपन ये कह सकते हैं, देखिए आप यहाँ पर अगर अपन उदाहरण से समझे इस चीज को, तो यहाँ पर दूरी आपके पास आ रही थी 2D, विस्थापन कितना था 0, मतलब विस्थापन कम था। अगले क्वेश्चन में अपन ने देखा तो यहाँ पर आपका विस्थापन 2πr और यहाँ पर है 2r, कम है। ठीक है, तो अपन ये कह सकते हैं कि जो दूरी होती है विस्थापन सामान्यतया तो दूरी से कम होगा, मगर यदि आपकी कण की गति सरल रेखीय है, सरल रेखीय गति है, इसका मतलब कण आपका सिर्फ एक सीधी रेखा में गति करेगा, दिशा में कोई परिवर्तन नहीं है, तो जितनी इसने दूरी तय की है उतना ही विस्थापन भी होगा, तो इसका मतलब दूरी विस्थापन के बराबर भी हो सकती है। और अगर आपका कण का पथ ऐसा है और यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी निकालें और दूरी निकालने की जगह यदि हम विस्थापन निकालें तो विस्थापन छोटा होगा, दूरी बड़ी होगी। तो ये अपन को ध्यान रखना है अगला अंतर दूरी विस्थापन के मध्य, कि दूरी विस्थापन से बड़ी होती है और किसी केस में ये बराबर भी हो सकती है, परंतु कभी ऐसा नहीं होगा कि दूरी कम हो और विस्थापन ज़्यादा हो, क्योंकि दो बिंदुओं के मध्य न्यूनतम दूरी को ही हम विस्थापन कहेंगे। ठीक है, तो ये एक अंतर हमारे पास दूरी और विस्थापन में, और हम जोड़ लेते हैं। चलिए आगे देखते हैं, तो हम यहाँ बात कर रहे थे सीधी रेखा में गति की, ए से बी के मध्य कितनी दूरी है 100 मीटर। अच्छा, विस्थापन कितना होगा, तो विस्थापन भी आपके पास यहाँ पर 100 मीटर ही होगा क्योंकि न्यूनतम दूरी 100 ही दी हुई है। समय आपको यहाँ पर दिया गया है 1 मिनट, समय आपको यहाँ पर दिया गया है 20 सेकंड। यदि 20 सेकंड हम लेते हैं तो फिर से हमारे पास माना जाएगा 5 मीटर प्रति सेकंड। इसका मतलब वेग और चाल का मान समान है। ठीक है, तो देखिए यहाँ से अपन को क्या पता चल रहा है, दूरी यदि अदिश राशि है, यदि दूरी आपके पास अदिश राशि है तो चाल भी अदिश राशि होगी, क्योंकि चाल जो है वो दूरी पर निर्भर कर रही है, चाल बराबर है दूरी बटा समय। और यहाँ पर विस्थापन जो है यदि वो सदिश राशि है तो उसी प्रकार आपका जो वेग होगा वो भी होगी सदिश राशि। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है कि चाल में और वेग में क्या अंतर है। चाल आपके पास अदिश राशि है, दिशा पर निर्भर नहीं करेगी, जबकि वेग हमारा हो जाएगा सदिश राशि जो कि दिशा पर निर्भर करता है। हो सकता है कि दोनों का मान समान मिले, ये कब पॉसिबल है दोनों का मान समान मिलना, जब कण आपका सीधी रेखा में गति करे। यदि कण सीधी रेखा में गति नहीं करता है और अपनी दिशा में परिवर्तन कर लेता है, जैसे मान लीजिए कि कण चलना प्रारंभ करे और फिर यहाँ आने के बाद इस तरीके से अपनी दिशा में परिवर्तन कर ले,
तो इस केस में यहां जो चाल होगी, यहां जो चाल होगी वो चाल बराबर हो सकती है। इन दोनों चाल को अपन बराबर बोल सकते हैं कि जितनी चाल से बिंदु ए से बी तक गया उतनी चाल से बी से सी तक गया, परंतु यहाँ वेग समान नहीं हो सकता। देखिए सदिश राशि किसे कहेंगे अपन, जिसमें होगा मान और साथ में होगी दिशा। ठीक है, तो यहां पर आप देखेंगे कि ए से बी तक अगर मान लो वेग का मान समान है और बी से सी तक भी वेग का मान समान है, परंतु दिशा में परिवर्तन हो गया। यदि केवल दिशा में भी परिवर्तन हुआ तब भी हम कहेंगे कि सदिश राशि में परिवर्तन हो चुका है। अब सदिश राशि पहले से परिवर्तित हो चुकी है। यदि केवल मान में परिवर्तन हो तब भी परिवर्तन कहा जाएगा, और दोनों में एक साथ परिवर्तन हो तब भी हम कहेंगे कि हमारी सदिश राशि में परिवर्तन हुआ है। ठीक है, तो ए से बी के बीच में जो भी वेग होगा उसको अगर मैं वी वन लिखता हूँ, तो बी से सी के बीच में जो वेग होगा उसको मुझे परिवर्तित करके ही लिखना होगा, भले ही दोनों का मान समान क्यों ना हो। परंतु यहाँ पे दिशा में चेंज होने की वजह से हम कहेंगे कि वेग अब परिवर्तित हो चुका है, वेग की जो दिशा है वो परिवर्तित हो चुकी है। ठीक है, तो ये अपने पास यहाँ पर थ्योरी में वेग और विस्थापन को अपन ने समझा है। अब हम यहाँ पर एक छोटा सा उदाहरण लेकर के वे चाल और वेग को समझने की कोशिश करते हैं। तो हम यहाँ पर एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। देखिए मान लीजिए कि आपको कोई एक सीधी रेखा में कर्ण दिया गया है, बिंदु ए बिंदु बी। ठीक है, बिंदु ए और बिंदु बी के मध्य जो दूरी है वो आपको दी गई है 100 मीटर। ठीक है, अब आपका जो कण है वो गति करना प्रारंभ करता है और बिंदु बी से इसे पुनः लौट करके आना है बिंदु ए पर, बिंदु बी से पुनः लौट कर आना है ए तक। यह अभी भी इसकी दूरी कितनी होगी, 100 मीटर होगी। ठीक है, अब यहां पर बिंदु ए से बिंदु बी के मध्य जो कण को समय लगता है, यदि वो ए से बी जाता है तो जो समय लगता है वो समय मान लीजिए 5 सेकंड का है। ठीक है, और हमारा कण चल रहा है एक समान चाल से, एक समान चाल से। एक समान चाल का मतलब हुआ कि कहीं पर भी बिंदु ए से बी के मध्य कण की चाल में कोई परिवर्तन नहीं आया है। उसी प्रकार बी से ए तक जाते समय भी इसको समय कितना लगेगा, बी से यदि ए जाएगा तब भी 5 सेकंड ही लगेंगे, क्योंकि अभी भी वो एक समान चाल से चल रहा है, तो फिर निश्चित दूरी दूरी समान है तो समय भी समान लगेगा। अब हम ये बात करते हैं यहाँ पर कि बिंदु ए से यदि बी के बीच में चल रहे हैं तो चाल क्या होगी। ए से जब हम बी चलेंगे तो उस कंडीशन में चाल यदि हम निकाले तो वो होगा दूरी बटा समय। दूरी कितनी है, 100 मीटर, समय कितना लगा, 5 सेकंड, तो कितनी चाल हो गई, 20 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, अब यदि आपसे पूछा जाए कि ए से जाएगा बी और फिर लोड करके आएगा ए पर, तब उस केस में चाल कितनी होगी, तो कुल दूरी कितनी हो गई, कुल दूरी कितनी हो गई, 100 प्लस 100, और समय कितना लगा ए से बी तक जाने में, 5 सेकंड, और बी से फिर से ए आने में 5 सेकंड, तो कुल कितना हो गया, 200 बटा 10, फिर से कितना आ गया, 20 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, तो बिंदु ए से बी तक जाने में, बी से ए तक आने में एक समान चाल से वो गति कर रहा है, वो हमें दिख भी रहा है कि चाल में कोई परिवर्तन नहीं आया। परंतु यदि इसी केस में हम बोलें कि ए से बी तक जाने में आपको वेग निकालना है, तो वेग क्या होगा, विस्थापन बटा समय। विस्थापन कितना हुआ ए से बी के मध्य, तो देखिए ए से बी के मध्य सीधी रेखा 100 मीटर की है, मतलब विस्थापन भी 100 मीटर हुआ, समय हुआ आपका 5 सेकंड, तो कितना हो गया, 20 मीटर प्रति सेकंड, ये हमने वेग निकाला है। अब यदि ये पूछा जाए कि ए से जाना है बी और पुनः लौट करके आना है ए और फिर हमें वेग निकालना है, तो इस केस में वेग होगा आपका कुल विस्थापन। हम विस्थापन हमेशा कुल विस्थापन ही लेते हैं, ऊपर भी आप चाहो तो यहाँ कुल विस्थापन लिख सकते हैं, डिवाइड बाय कुल समय। अच्छा, ए से बी यदि हम जाते हैं और ये विस्थापन है आपका 100, तो बी से ए तक जाने में विस्थापन कितना होगा, माइनस का 100, क्योंकि विस्थापन सदिश राशि है और हमें दिशा भी लेनी होगी, जब दिशा विपरीत होगी
तो विपरीत दिशा में आपको नेगेटिव चिन्ह लगाना होगा। तो कुल विस्थापन हो जाएगा 100 प्लस माइनस का 100 डिवाइड बाय समय। समय अपने पास कुल कितना लगा, जो कि अपने पास 10 सेकंड का था, तो ये आ चुका है जीरो। देखिए जब विस्थापन शून्य है तो निश्चित रूप से वेग शून्य हो जाएगा। तो यदि आपके पास पूरी जर्नी के दौरान ये जो पूरी यात्रा इसने की है ए से लेकर के बी तक और बी से लेकर पुनः ए तक, इस पूरी यात्रा के दौरान आपसे अगर वेग पूछा जाता है तो वो वेग प्राप्त हुआ है शून्य, जबकि चाल जो पूछी गई है वो चाल हमें प्राप्त हुई है 20 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। तो वेग सदिश राशि है। यदि इस दिशा में वेग आपने पॉजिटिव लिया है, जैसे 20 मीटर प्रति सेकंड हमारे पास चाल आई थी और इस दिशा में चाल कितनी आई थी, वो भी 20 मीटर प्रति सेकंड ही थी। तो यदि इस दिशा में आपने इसको पॉजिटिव लिया है तो अगली दिशा में आपको लेना होगा इसको नेगेटिव। तो कुल वेग कितना हुआ, कुल वेग कितना हुआ, तो वो हो गया 20 प्लस माइनस 20 हो गया जीरो, ठीक है। तो वेग आपके पास सदिश राशि है। जैसे ही दिशा में परिवर्तन होगा तो आपको उसके अकॉर्डिंग अपने वेग में भी परिवर्तन करना होगा। विपरीत दिशा के लिए अपन नेगेटिव चिन्ह लगाते हैं और फिर कुल वेग अगर यदि करें तो कुल वेग हमें कितना प्राप्त होगा, जीरो। तो इस प्रकार आपके चाल और वेग में अंतर होता है दिशा का, ठीक है। जब तक कण आपका सीधी रेखा में गति करेगा उसकी दिशा में कोई परिवर्तन नहीं है, तो उस कंडीशन में चाल और वेग आपका बराबर ही प्राप्त होंगे। चाल निकालें चाहे वेग निकालें, दोनों के मान समान ही प्राप्त होते हैं इस कंडीशन के अंदर, ठीक है। और यदि आपके कण ने अपनी दिशा चेंज कर ली है, वो किसी और दिशा में गति करना प्रारंभ कर देता है, तो उस कंडीशन में चाल जो है वो वेग के बराबर नहीं रह पाता, फिर इन दोनों में परिवर्तन आ जाता है, क्योंकि चाल तो दिशा पर निर्भर करता नहीं है, परंतु वेग में दिशा के अकॉर्डिंग परिवर्तन आने की वजह से उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी और फिर चाल और वेग बराबर नहीं रह पाएंगे, ठीक है। तो ये आपको अंतर ध्यान रखना होगा चाल एवं वेग में। अब हम यहाँ पर चाल को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। चाल जिसे हम कहेंगे स्पीड, क्या होती है चाल, कितने प्रकार की होती है, क्या होती है चाल, ये तो हम समझ चुके हैं। दूरी बटा समय, कुल दूरी बटा कुल समय अपने पास चाल होगी। परंतु ये चाल भी हमारे पास अलग अलग प्रकार की हो सकती है, जैसे कि एक समान चाल या फिर परिवर्तित चाल और औसत चाल और लास्ट में है आपका तात्क्षणिक चाल, ठीक है। ये अपने पास चार प्रकार की चाल संभव है। एक समान चाल का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपका कण किसी दूरी को तय कर रहा है, पूरी दूरी के दौरान आपकी चाल नियत बनी हुई है, एक समान बनी हुई है। यदि बिंदु ए पर मैं चाल पूछूं तो 20 मीटर प्रति सेकंड यदि हो तो बिंदु सी पर भी 20 होगी, बिंदु बी पर भी 20 होगी, क्योंकि वो कण आपके पास एक समान चाल से गति कर रहा है। यदि ऐसा हो कि आपके पास बिंदु ए सी और बी पर चाल यहाँ 10 मीटर प्रति सेकंड है, यहाँ 20 मीटर प्रति सेकंड है और यहाँ पर जाके 30 मीटर प्रति सेकंड हो गई, इसका अर्थ ये हुआ कि आपके कण की चाल लगातार परिवर्तित हो रही है। तो इस कंडीशन में हम कण की चाल को बोलेंगे परिवर्तित चाल, ठीक है। तीसरा पॉइंट अपने पास आता है औसत चाल, जिसको हम एवरेज भी बोलते हैं, जिसको अपन वी एवरेज से प्रदर्शित करेंगे। औसत चाल क्या होती है इसको अब तक समझते हैं। मान लीजिए कि आपका कण जो है वो बिंदु ए से बिंदु बी के बीच गति कर रहा है, यहाँ पर आपके पास कुछ और भी बिंदु ले लेते हैं हम, जैसे बिंदु सी और बिंदु डी। बिंदु ए पर यदि आपकी कण की चाल है 20 मीटर प्रति सेकंड, सी पर हो गई 10, डी पर फिर से हो गई 15 और बी पर हो गई आपके पास 25, तो इस पूरी गति के दौरान आपकी जो चाल है वो लगातार परिवर्तित होती जा रही है, ठीक है। अब मान लेते हैं कि ये पूरी दूरी आपके पास हो चुकी है 100 मीटर और ये भी मान लेते हैं कि यहाँ जो कुल समय लगा इस पूरी दूरी को तय करने में वो लगा है आपको 20 सेकंड, ठीक है। 20 सेकंड समय में आपने पूरी ए से बी तक की दूरी तय की है अलग अलग चाल के साथ में, परिवर्तित चाल के साथ में। अब हम ये कहें कि ए से बी तक हमें पुनः जाना है
दूरी हमारे पास यहाँ पर 100 मीटर है, समय हमारे पास वही 20 सेकेंड है, परंतु एक निश्चित चाल से हम चलना चाहते हैं, हम एक निश्चित चाल से चलना चाहते हैं, एक समान चाल से चलना चाहते हैं उसी दूरी 100 मीटर को उसी समय के अंदर, तो वो जो निश्चित चाल होगी, जो एक समान चाल होगी, वो आपके पास कहलाएगी औसत चाल, वो हमारे पास कहलाएगी औसत चाल। दी गई दूरी दी गए समय में ही पूरी करनी है। पहले हमने इसको अलग-अलग चाल से कवर किया था, मगर हम ये चाहते हैं कि हम अलग अलग चाल से चल करके एक निश्चित चाल से इस दूरी को तय करें, तो वो निश्चित चाल जो होगी जिससे वही दूरी उसी समय में तय कर सकते हैं, वो कहलाती है आपकी औसत चाल। तो औसत चाल जो होती है उसे अगर हम कैलकुलेट करना चाहें तो वो होगा कुल दूरी बटा कुल समय, ये आपके पास औसत चाल का सूत्र होगा जिसके साथ हम औसत चाल कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार यदि हम बात करें तात्क्षणिक चाल की, तो तात्क्षणिक चाल को हम वी इंस्टेंटेनियस बोलते हैं। तात्क्षणिक चाल अर्थात किसी क्षण पर चाल। तात्क्षणिक चाल का मतलब ये हुआ कि यदि आपसे पूछा जाए कि टी बराबर 5 सेकंड पर चाल क्या होगी या टी बराबर 10 सेकंड पर चाल क्या होगी, तो किसी निश्चित क्षण पर आपको चाल पूछी गई है, 5 सेकंड पर या फिर 10 सेकंड पर, तो वो किसी क्षण पर चाल यदि पूछी जाती है तो वो कहलाती है आपकी तात्क्षणिक चाल। पूरी गति के दौरान जो हम कैलकुलेट करते हैं, पूरी गति के दौरान जो कैलकुलेट करेंगे वो होगी औसत चाल, और किसी निश्चित समय में दी गई चाल अगर यदि पूछी जाती है तो वो कहलाती है आपकी तात्क्षणिक चाल। ठीक है, तो अब हम इनकी परिभाषा समझ चुके हैं, अब न्यूमेरिकल की सहायता से हम इनको समझने की कोशिश करते हैं। तो एक एग्जाम्पल हम इसका लेके चलते हैं। देखिए एक उदाहरण दिया गया है, इस उदाहरण में दिया गया है आपको कि एक बस है जो कि दी गई दूरी की जो आधी दूरी है, आधी दूरी उसको तय करती है किस चाल से, वो चाल है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, और जो बची हुई आधी दूरी है उसको कवर करती है जिस चाल से, वो चाल है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो इस पूरी दूरी को जो कि ए से बी और बी से सी, यहाँ पर ए बी दूरी बराबर है बी सी के, पूछा गया है कि इस पूरी गति के दौरान आपको कण की औसत चाल निकालनी है, जिसको हम वी एवरेज बोलेंगे, आपको निकालनी है यहाँ पर कण की औसत चाल। ठीक है, अब देखिए आप पूरी गति के दौरान हमारे पास पहले चाल थी 40 और बाद में चाल हो गई 60, मतलब कि चाल परिवर्तित चाल है, तो औसत चाल कैसे निकालें। औसत चाल का मतलब ये हुआ कि हम वो कौन सी चाल सेलेक्ट करें जिससे हम इस पूरी दूरी को उतने ही समय में तय कर पाए जितने समय में अभी कर पा रहे हैं अलग अलग चालों के साथ में। तो औसत चाल का सूत्र हमने क्या देखा, वो होता है कुल दूरी बटा कुल समय। ठीक है, अब यहां तो ना तो आपको कुल दूरी दी गई है बट कुल समय दिया गया है, तो इस केस में हम क्या करेंगे, हम इस दूरी को मान लेंगे यहां से यहां तक एक्स दूरी, तो बाकी बची हुई दूरी भी कितनी होगी, एक्स, क्योंकि हमने पहले ही बोला है कि ए बी जो है वो बी सी के बराबर है, तो कुल दूरी हो चुकी है एक्स प्लस एक्स, मतलब कि 2x। समय क्या होगा, तो देखो आप यहाँ पर चाल का सूत्र होता है दूरी बटा समय, तो हम ये कह सकते हैं कि जो समय होगा वो हो जाएगा दूरी बटा चाल। ठीक है, तो दूरी जो आपके पास एक्स दूरी है, पहली जो एक्स दूरी है उसको कवर किया अपन ने 40 की स्पीड से, पहली एक्स दूरी को हमने कवर किया 40 की स्पीड से, तो यहाँ पे समय कितना लगा, यहाँ के समय की यदि हम बात करें इस आधी दूरी के लिए जो समय लगेगा उसको मैं T1 नाम दे रहा हूँ, और वो हो जाएगा दूरी बटा चाल। इसी प्रकार बाकी जो दूरी बची हुई है इसमें जो समय लगेगा उसको मैं T2 नाम देता हूँ, और वो हो जाएगा दूरी बटा चाल। तो कुल कितना समय लगा, तो वो हो जाएगा आपके पास कुल समय T1 प्लस T2, कुल समय कितना हो जाएगा T1 प्लस T2। ठीक है,
तो कुल दूरी तो हो गई 2x और कुल समय आपके पास हो चुका है x बटा 40 और x बटा 60। अब यदि इसका एलसीएम लिया जाए तो यहाँ पे 40 और 60 का एलसीएम होगा 120। 40 का भाग जाएगा 3 बार, तो 3x, इसका जाएगा 2 बार, तो 2x। अगली स्टेप इधर देखें तो ये हो जाएगा 2x डिवाइड बाई 5x डिवाइड बाई 120। 120 ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 2x इंटू 120 बटा 5x, और इसमें आपका x से x कैंसिल, और उसके बाद ये बन जाएगा आपका 5 से इसको कैंसिल कर देते हैं हम 24 बार, और 24 दुआ 48। तो ये आपके पास यहाँ पे आ चुका है 48 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, यदि इस पूरी दूरी जो कि 2x है उसको तय करने में यदि मान लीजिए कि t समय लग रहा है, किस चाल से, पहले 40 से चलेंगे फिर 60 से चलेंगे, तो यदि हम 40 और 60 की जगह 48 से चलें पूरी दूरी को, तब भी 2x को तय करने में t ही समय लगेगा। इसी वजह से इस 48 को बोला गया है औसत चाल। 40 और 60 जो परिवर्तित चालें हैं, इनकी जगह, इनके स्थान पर आप पूरी दूरी को 48 से कवर करेंगे तब भी हमें उतना ही समय लगेगा। ठीक है, तो इस प्रकार हम किसी गति में औसत चाल निकाल सकते हैं। एक और उदाहरण द्वारा इसको और समझने की कोशिश करते हैं। अगला उदाहरण देखिए अगले क्वेश्चन में दिया गया है कि कोई व्यक्ति अपने घर से सीधी सड़क पर चलता है। ये सीधी सड़क है, ये उसका घर है होम, और ये उसका ऑफिस है होम। ठीक है, अब वो व्यक्ति घर से सीधी सड़क पर चलता है 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। यहां से चलना प्रारंभ किया इसने 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, और उसका जो ऑफिस है वो आपको दिया गया है 2.5 किलोमीटर की दूरी पर, 2.5 किलोमीटर की दूरी पर। जैसे ही वो ऑफिस पहुंचता है, ऑफिस उसको बंद मिला, और ऑफिस बंद मिला तो पुनः अपने घर पर लौट करके आता है। दूरी अभी फिर से उसको कितनी तय करनी है, 2.5 किलोमीटर। अभी कहाँ जाना है, ऑफिस से घर। पहले जाना था हमें यहाँ पर होम, घर से ऑफिस, और अभी जा रहे हैं हम ऑफिस से घर। ठीक है, अब क्या बोलता है वो कि जब वो वापस आया तो इस समय जो उसकी चाल होगी, इस समय जो उसकी चाल है वो चाल अपने पास यहाँ पर है 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो यहाँ चाल का आप ध्यान रखें, पहले जो चाल आपको दे रखी है, जो पहले स्पीड है वो 5 किलोमीटर प्रति घंटा थी। जब हम ऑफिस से घर की ओर जाते हैं, सॉरी घर से ऑफिस की ओर जाते हैं, और जब ऑफिस से घर की ओर जाते हैं तो हमारी चाल जो हो जाती है वो बदल करके हो जाती है 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा। अभी आपको ये बताना है कि पहला क्वेश्चन क्या है, 0 से 30 मिनट की अवधि में, 0 से 30 मिनट की अवधि में इस व्यक्ति की औसत चाल क्या होगी, औसत चाल क्या होगी। ठीक है, पहले हम इसे कैलकुलेट करते हैं फिर बाकी दूसरे पार्ट सॉल्व करेंगे। तो 0 से 30 मिनट की अवधि में औसत चाल निकालनी है। अब औसत चाल जो होती है उसका फॉर्मूला होता है कुल दूरी बटा कुल समय। अब हम यहाँ देख पा रहे हैं कि हमें ये पता नहीं है कि 30 मिनट में उसने कितनी दूरी तय की होगी। कुल समय तो 30 मिनट है हमारे पास, कुल समय 30 मिनट है, जिसको अपन 0.5 हावर्स लिख सकते हैं। हमने इसको घंटों में चेंज कर लिया है, 30 मिनट का मतलब होता है आधा घंटा। अच्छा, आधे घंटे में कितनी दूरी तय की, तो देखिए आप यहाँ पर जो पहली स्पीड आपके पास S1 है वो है 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा, इसका मतलब क्या हुआ कि 1 घंटे में चलेगा 5 किलोमीटर, तो आधे घंटे में कितना चलेगा, तो ये चलेगा 2.5 किलोमीटर। आधे घंटे में कितना चलेगा, 2.5 किलोमीटर, और हमें वही पता करना है कि आधे घंटे में कितनी दूरी तय की, तो आधे घंटे में इसने तय की दूरी 2.5 किलोमीटर। ठीक है, इसको सोल्व करें तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल कर देते हैं और ये बन जाएगा 25/5, जो कि होगा 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो
30 मिनट के अंतराल में जो इसकी औसत चाल है वो आपके पास है 5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हम बात करते हैं कि यदि हम 0 से 30 मिनट के स्थान पर हम कैलकुलेट करना चाहें 0 से 50 मिनट के गैप में, 0 से 50 मिनट के गैप में इसकी औसत चाल क्या होगी, औसत चाल क्या होगी? देखिए 30 मिनट तक तो हमने कैलकुलेट कर लिया है कि जब वो व्यक्ति चलना प्रारंभ करता है तो ये डिस्टेंस जो तय करता है वो 2.5 किलोमीटर है होम से लेकर के ऑफिस तक की, और इस दौरान जो उसको समय लगेगा वो 30 मिनट का समय लगेगा। अब 30 मिनट के बाद देखो 50 मिनट को अपन तोड़ सकते हैं 0 से 30 और 30 से 20, ठीक है, यहां तक की गणना हम कर चुके हैं। अब यहां तक की गणना हमें करनी होगी। तो देखिए अब 30 मिनट में वो ऑफिस पहुंच चुका है, अब उसको कहाँ जाना है, ऑफिस से घर की ओर। अगले 20 मिनट में वो किस ओर गति करेगा, ऑफिस से घर की ओर। फिर से कितनी दूरी तय करनी है, टोटल 2.5 किलोमीटर। परंतु ये देख रहे हैं हम यहाँ पर कि 2.5 किलोमीटर किस चाल से चलेगा वो, तो वो चाल होगी 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो जब पूरी दूरी 2.5 किलोमीटर दूरी को तय करने में लगता है 7.5 घंटा, तो हम यहाँ पे देखना चाह रहे हैं, सॉरी इसको उल्टा लिखते हैं, इसको थोड़ा उल्टा लिखते हैं, हम ये कह सकते हैं कि 7.5 घंटे, सॉरी देखिए कितना समय लगेगा यहाँ पर जब ऑफिस से घर की ओर पहुंचेगा, तो समय बराबर होता है दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल। दूरी 2.5 किलोमीटर है जब ऑफिस से घर की ओर जा रहे हैं, और चाल हमारे पास है 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये आ चुका है आपके पास यहाँ पर 1/3 या फिर 0.33 आवर्स। ठीक है, अब इस 1/3 0.33 आवर्स को यदि मिनट में चेंज किया जाए तो कितना समय होगा, तो हम ये देखते हैं कि 1/3 तो आवर्स में, इसको मिनट में चेंज करेंगे 60 से गुणा करके, तो ये हो जाएगा 20 मिनट। इसका मतलब हुआ कि आपका जो पार्टिकल है, सॉरी जो व्यक्ति है, 30 मिनट में जाता है वो घर से ऑफिस, और ऑफिस से घर जाने में उसको लगते हैं 20 मिनट। ठीक है, तो अब हम देख पा रहे हैं कि पूरा 50 मिनट का समय हमने यूज कर लिया, पूरे 50 मिनट बाद वो घर पे पुनः पहुंच जाएगा। अच्छा, तो अब इसकी औसत चाल कैसे निकालेंगे, तो औसत चाल होती है कुल समय। तो कुल दूरी कितनी हुई हमारे पास, तो कुल दूरी हो गई 2.5 किलोमीटर जाना प्लस 2.5 किलोमीटर वापस आना। दूरी हमेशा धनात्मक होती है, दिशा का कोई महत्व नहीं है, तो आपको दूरियां जोड़ते हुए चलनी है। कुल समय कितना लगा, तो 30 मिनट तो उसको जाने में लगा और 20 मिनट वापस आने में लगा। ठीक है, अच्छा एक और चीज देखें कि 2.5 किलोमीटर में दिया गया है, तो हम इसको थोड़ा चेंज कर लेते हैं, मात्रक इसके हम चेंज कर लेते हैं, हम इसको चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो समय होगा, देखिए पहला जो समय है वो आधा घंटे का है, तो मैं इसको 0.5 आवर्स लिखूंगा, और दूसरा समय जो आवर्स में दिया हुआ है वो है 1.1/3 मतलब 0.33। तो आप इसको यहाँ पर 1/3 ही लिखें और इसको 0.5 की जगह लिखेंगे 1/2। आसान हो जाएगा सोल्व करना, इसका एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 6 और ऊपर हो जाएगा 3 और 2 5, और ऊपर 2.5 2.5 मिलकर 5 हो गया। इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 6, और 6 होगा आपके पास किलोमीटर प्रति घंटा। तो पूरी यात्रा के दौरान मतलब ऑफिस घर से ऑफिस जाना है और फिर ऑफिस से घर पुनः आना है, इस पूरी यात्रा के दौरान जो उसकी औसत चाल रही है, पहले जो चाल थी वो 5 किलोमीटर प्रति घंटा थी, बाद वाली चाल 7.5 थी, तो औसत चाल आपके पास आ चुकी है 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, 6 किलोमीटर प्रति घंटे से यदि वो जाता पूरी यात्रा के दौरान, तो पूरी दूरी जो कि 5 किलोमीटर है उसको तय करने में उसको 50 मिनट ही लगते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार हम किसी भी क्वेश्चन के अंदर औसत चाल कैलकुलेट कर सकते हैं।